भैया भैया लद्दाख जा रहे हैं, लद्दाख बढ़िया मजे लेके आएंगे पूरे। भैया कह रहे बढ़िया बढ़िया जाओ जाओ। अक्षय कह रही अड्डी को शर्म लग रही सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका कोई इंटरेस्टिंग व्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन की। तो ये गुड मॉर्निंग क्योंकि व्लॉग सुबह आएगा ना, हमारी गुड नाइट हो रही है ना, तो अभी रात के 9 बज रहे हैं और अभी हम निकल चुके हैं लद्दाख के लिए। और मतलब एक्साइटमेंट लेवल देख रहे हैं पीछे, क्योंकि लोग बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कितना एक्साइटमेंट लेवल है। एक्साइटमेंट लेवल दिखा दी इससे पहले देख ले। ठीक है, तो अभी भाई अभी हम फ्यूल स्टेशन चिल्ला चिल्ला के बाहर बोल रहे हैं भैया हम लद्दाख जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं। तो भाई अभी हम जो है फ्यूल फिल करा रहे हैं, अभी हम फ्यूल फिल करा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि बिल्कुल इसमें फ्यूल था ही नहीं, बिल्कुल जीरो था। सो अभी यहाँ से डलवाते हैं, उसके बाद फिर सीधा हिमाचल में डलवाएंगे, वहां सस्ता मिलेगा हमें पता है, और सीधा मनाली से ऊपर ही जाएंगे। मनाली से नीचे तो कहीं नहीं रुकने वाले, हम सीधा मनाली के ऊपर रुकेंगे, तो मस्त। हाँ, किलोंग जिस पर पता नहीं कहाँ जाएंगे, और हमने कैंपिंग का सामान भी ले लिया, ये बात है। तो पता नहीं हम कैंप करेंगे या होटल में रुकेंगे, कुछ नहीं पता अभी, जो कुछ होगा हाँ वहां जाके पता चलेगा। तो चलो फिर चलते हैं। तो भाई अभी रेंज हो गई है यहाँ पे 726 किलोमीटर चलेगी ये गाड़ी, और अभी एवरेज तो अभी थोड़ी देर में दिखाएगी, बाकी टैंक पूरा फुल करवा दिया है कट पे। अभी चलते हैं और 9:11 हो रहे हैं, सो देखते हैं कि कब तक पहुंचेंगे। मुझे पता है दिन ही हो जाएगा जब तक हम मनाली मनाली पहुंचेंगे, बाकी मजा आएगा। संतरे खाने स्टार्ट कर दी तुमने? सही है भाई, तो तभी आएगी ना। अच्छा ट्रैवल कर रहे हैं बिना संतरे खाए तो लगता ही नहीं है। सही है, खाते जाओ। सो अभी हम जा रहे हैं वहां होते हुए, सहारनपुर होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता। संतरे खाते जाओ और संतरे के बीज निकालते जाओ। तो भाई अभी थोड़ी देर चलने के बाद ही, ऐसा पूरे दिन की थकान है ना, बहुत सारे काम किया है, तो सोच रहे हैं कि कॉफ़ी वॉफी कुछ पी लें। खाने का तो कभी कुछ मन नहीं है, खाने को तो हम लेके भी आए, तो यहाँ कोस्टा भी है और पिज्जा विज्जा है, तो कुछ खाना तो है नहीं, देखते किसी से यहाँ किसी कॉफ़ी वॉफी या चाय वाय कुछ पीते हैं, और फिर उसके बाद चलेंगे आराम से। फिर तो अगली चाय तो सीधे पहाड़ों में जाके पियेंगे। शुगर ऐड की है ना इसमें? तो भैया कॉफ़ी ले लिया, पर पता नहीं कि मुझे कभी भी जैसे ये स्टारबक हो गया, कोस्टा हो गया, इनकी कॉफी कभी भी घर से ज्यादा अच्छी नहीं लगी। जो घर पे कॉफी मिलती है ना वो अलग ही बात होती है। मैं बहुत अच्छी बनाती हूं, मुझे पता है, इतनी तारीफ मत करो। पता है घर पे स्ट्रॉन्ग भी बनती है और घर पे फ्लेवर भी सही होता है, या तो सकता है हमें वो जीप पे चढ़ा हुआ है, वो वाली बात है। हमें वही अच्छा लगता है, हम इंडियन वाला टेस्ट पसंद है, मीठा ठोक के, वही वाली बात। तो ये मम्मी अपनी चाय पी रही है, चाय आगे थोड़ी सही है, कौन सी वाली चाय है? अच्छी नहीं है, फिर तो मतलब मेरे हिसाब से बढ़िया है, कड़क चाय है ना, चाय कुछ और सोच रहा था। सब्सक्राइबर्स मिल गए भाई यहाँ पे हमें, चलो जल्दी से खत्म करते हैं और चलते हैं। टोल टैक्स आ चुका है, जो कि अभी थोड़ी देर बाद ही हरियाणा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यूपी से अब हरियाणा में एंट्री करेंगे। सहारनपुर पीछे रह चुका है। अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 11:09, तो सही है, अभी हम सही पेस पे चल रहे हैं, सही स्पीड पे चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल माता यहाँ पर दिखा रहा है भैया 9:43 में पहुँच जाएंगे और 399 किलोमीटर, लगभग 400 किलोमीटर बचा है। पर यह कि शुरुआत के जो किलोमीटर होते हैं बहुत तेजी से निकलते हैं, पर जैसे तुम पहाड़ों पर पहुंच जाते हो उसके बाद किलोमीटर बहुत धीरे धीरे निकलते हैं। तो अभी देखते हैं, इससे पहली बार मनाली जा रहे हैं तो इससे कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। बाकी अभी हम जब गए थे इससे उत्तराखंड गए थे तो बहुत मजा आया था, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है, ना गियर डालना ना कुछ करना, मस्त आराम से एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल पर लगाओ, पैर फोल्ड करके बैठ जाओ, अपने आप चलती रहती है ऐसे आगे पर। तो खास करके क्या हो गया भाई, इयररिंग खींच ली और बाल भी खींच रखे हैं एक साइड से। मुर्गे मुर्गे मुर्गा सर मार रहा है अपना, मुर्गा सर नहीं मार रहा, मुर्गा चोंच मार रहा है, मुर्गा चोंच मार रहा है। बाप 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 बा दा, फालतू नहीं बोलेगा, मैं ले लद्दाख दाग दाग जा रहा हूँ है ना, बोलो कोई फालतू नहीं बोलेगा, मैं ले लद्दाख जा रहा हूँ क्या हो गया शैम्पू जी, कैसे चुपचाप बैठे भाई, जयपुर की याद आ रही है क्या? अरे नहीं ब्रो
मुर्गे इयररिंग लेके बैठे हुए मेरे। अरे भैया खोलो यार, तुमने तो हद ही कर दी यार। हाँ एक तो पता इतने सारे उसमें सिर्फ एक दो तीन लाइन चल रही है, इतनी सारी लाइन खाली पड़ी है, कोई चली नहीं रही है। जब हम वैष्णो देवी गए थे तो हमने यहीं पे पीछे बैठ के ही अपनी चाय पी थी, हम लेके आते जो घर से, याद है? और हमारी गाड़ी में बहुत सारे मच्छर घुसे, बहुत सारे मच्छर होते हैं भाई, बहुत मोटे मोटे मच्छर होते हैं यहाँ पे इस जगह पे। ये क्या नाम है, अशदपुर पड़ता है यहाँ पे, तो खेतों में थोड़ी असदपुर है, वो गाँव वाँव होगा। मच्छर ट्रेन वाली वो होती है ना, वो आ रही है जर्नल वाली है, ला दो तुम्हें ऊपर नीचे हो रही है, बिल्कुल ऐसा ट्रेन चल रही है। अरे हाँ ट्रेन में सीधा बैठते है वो बाथरूम के पास। हाँ तो मैं बैठा हूँ ना बाथरूम के पास। एक बार आने वाले दो तीन महीने के अंदर हम XUV700 के साथ क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या यूटिलाइजेशन हो सकती है, ठीक है सब पॉसिबिलिटीज सब निकाल लेंगे, ठीक है? कैसे तुम क्या कहते हैं इसको ट्रेन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? हर चीज आपको बता देंगे, और जो संभव है उस और जो असंभव है उसको कैसे संभव करें, ठीक है वो भी बता। अभी ना हम इसमें टॉयलेट बनवाने की सोच रहे हैं, और उस बाथरूम के पास फिर जो शैम्पू बैठेगा तो फिर बिल्कुल ट्रेन जैसा लगेगा उसको, है ना शैम्पू? तो साला नीचे बैठा हुआ है अभी भी, देख कमर लगा के बताए, ये बिल्कुल उस पोजीशन में बैठा है, सुबह उस पे बाथरूम में नहीं आता है ये, इंडियन में जाता है ऐसे बैठता है यार, नहीं नहीं बैठा, देख के बैठो भाई, कमर लगा के बैठो, पैरों को तो उपयोग ही नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उम्दा परफॉर्मेंस, सही है सही है। हमने तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल पर लगा लिया भैया, आराम से चल लिया, मजा आ रहा है। और पीछे वाले सो रहे हैं, मम्मी को पीछे वाले की मर्जी है कितनी सीट आगे करनी है। बॉस बॉस अलग अलग पैर आ रहे हैं, कभी एक छोटा सुंदर सा पैर आ जाता है, कभी एक बड़ा सा पहाड़ा सा पैर आ जाता है, यहाँ रख देते पैरों को आगे। भैया मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, एक और टोल टैक्स आगे, भाई क्या बताएगा बच्चों को? मैंने 27 लाख की गाड़ी के लैब में पढ़ाई करी है, तो ये पढ़ाई कर रहा तू अब यहाँ पे? हाँ भाई मेरा पेपर है ना अभी, थोड़ी देर में एक और टोल टैक्स आ चुका है। आई थिंक ये कौन सा यार, देखिए पंजाब आने वाला क्या थोड़ी बहुत देर, अम्बाला साइड अम्बाला आया थोड़ी, अबे अम्बाला अभी काम वाला आ गया, लेफ्ट में आने वाला, लेफ्ट में टोल टैक्स आया, ऐसे आता है मम्मी कह रही थी जल्दी, मम्मी कह रही थी जल्दी टोल टैक्स कैसे आ गया, मम्मी ऐसे आता है यहाँ पे, सादाबाद जागा दरी वाली रोड है। तो भैया अभी एक स्ट्रेच ब्रेक और सुसु ब्रेक के लिए रुके हैं, क्या हो गया? ओ सो सॉरी बॉय, बहुत ज्यादा सर पे बाल है भाई, मैं दिखा नहीं सकता, लोग नजर लगा देंगे, ताज है आपके सर पे तो, बहुत बड़ा। ये आवाज कहाँ से आ रही है, ट्रर की आवाज आ रही है, जैसे करंट का छोड़ रहा, करंट वरेंट जा रहा हो साला यहाँ से, अबे तार है भाई ऊपर, ये जा रहे 11,000 की लाइन जा रही है, मेहनती लड़का है, पैसे लूंगा डबल इसके, मेहनती। भाई अभी ड्राइवर का एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान, जाओ गाड़ी चलाओ, मैंने कि थोड़ी देर शैम्पू भी चलाएगा तो उसको नींद वींद भी नहीं आएगी, और इसको भी थोड़ा सा लगा रहेगा, और सबकी मतलब सीट चेंज होती रहनी चाहिए, मैं यहाँ आ जाऊँ सीट पीछे बन जाए, वो यहाँ आ जाए, तो कोई बोर नहीं होता है भाई, खजूरे है ना हमारा बड़ा खजूरा सो जाता है। हाँ नहीं तो जो दूसरा खजूरा है ना वो फिर सोता हुआ जाता है। चलो यस हम आपके बारे में ही बात कर रहे हैं, खजूरे खिचड़ी खिला लो, साइड में कर लो, और तभी बाहर बैठ के रूरू मास्टर खाएंगे खिचड़ी, कच्चे आम लग रहे ना, हाँ आम का बाग है पूरा, आम तो खैर हमारे मेरठ में बहुत मिलते हैं, वहाँ चलेंगे उधर जो है ना बोली की जाल साइड में, वहाँ आम का बाग है, वहाँ से कच्चे आम वहाँ से ला सकते हैं, अचार वचार डाल लो ना, गाड़ी वहाँ से लेके वहाँ तक चलाई पूरी गाड़ी भाई, वहाँ से वहाँ तक बहुत ज्यादा, कोई नहीं अभी चलाइयो, अभी तो पहाड़ों में टाइम है, जब तक पहाड़ नहीं आते अब तक चला आराम से, कभी फिर पहाड़ों में तो फिर मैं ही चलाऊंगा भाई, नहीं भाई लद्दाख में तो देखो चलो, नहीं लद्दाख में तो चलाइयो, वहाँ तो चला तो तेरे को चलाना पड़ेगा भाई, मैं चला ही नहीं पाऊंगा ना लद्दाख में, ज्यादा हो जाएगा मेरे। चलो ये देखो स्ट्रेचिंग करी जा रही है भाई,
सोने के बाद लोग जग जग के आ रहे, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। ये खजूर यहाँ पे खिचड़ी खा रहे हैं भाई। पेपर से आके ये मच्छर उड़ा देने, मच्छर मच्छर तो बहुत है, बहुत मच्छर है। अभी हमने हिमाचल के अंदर एंट्री कर लिया और हम बरौटी वाला के पास हैं। यहाँ पे हमारा ये हिमाचल में मतलब ये टैक्स वैक्स जो भी है टोल टैक्स कटता है 40 रुपए का। सो अभी ये कटवा लिया हमने। अभी हम सोच रहे हैं कहीं चाय वाय, अभी कहाँ गया भैया, अभी हम सोच रहे हैं कहीं चाय वाय की जगह देख लें। और खाना तो हम लेके आए थे तो खाना वाना खा लेंगे, क्योंकि अब पेट में हल्का हल्का महसूस होने लगा है कि भाई अब खाली हो गया, भर दो। ठीक है तो अभी देखते हैं, अभी ठीक है गोद भराई करें शैम्पू जी तुम्हारी, पेट भराई। तो अभी बस जगह देख रहे हैं कि चाय वाय की मिल जाए बढ़िया, चाय वाय की टपरी वपरी, पर अभी शहर में थी शैम्पू जी ने छोड़ दी। पीछे वाले भाई साहब लोग तो सो रहे हैं मस्त आराम से, ये भी सो गई। सो गाइस फाइनली अभी एक ढाबा मिला है बहुत देर बाद, लगभग अभी 1:50 होने वाले हैं, मतलब 2 बजने वाला है। और गाना कौन सा चल रहा है, घूंघट की आड़ में, अच्छा आड़ में, हाँ ठीक है। तो अभी चलो चाय बनवाते हैं, खाना तुम्हारे पास है, किसकी सब्जी है, करेला, ओके। तो भाई अभी खाना खजाना हो चुका है और अभी लगभग 2:13 हो गए, अभी चलो निकलते हैं अपना डेस्टिनेशन की तरफ। अभी तो पूरी रात गाड़ी चलानी है, कल लगभग हम जब उजाला हो जाएगा 10-11 बजे के बाद ही पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। सो गाइस फाइनली हम जो है पहाड़ों पे अब ऊपर एंट्री कर चुके हैं, पर अभी जो है ये रोड थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि ये मेन रोड में जाके मिलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है, तो थोड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है, मतलब कहीं भी गड्ढा आ जाता है, कहीं भी कुछ आ जाता है। बस ये तो है कि लद्दाख से आने के बाद इस गाड़ी की मेजर सर्विस होने वाली है, वैसे भी 10,000 वाली, क्योंकि लगभग ये 4,300 किलोमीटर चल चुकी है, तो 2-3 किलोमीटर और चल जाएगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा चला के करवा देंगे सर्विस इसकी। भाई साहब यहाँ भी देखो भाई साहब पूरे फॉरेस्ट में आग लगी हुई है, दिख रही है, इधर भी पूरे में लगी हुई है वहां तक। और ये उत्तराखंड में गए थे जब, देखा ना उस दिन भी शैम्पू लगी हुई थी, है ना, पता नहीं क्या हो रहा भाई, या तो गर्मी की वजह से किससे मुझे नहीं पता, पर ये भी भाई बहुत दूर तक है, देखो जितनी लाल लाल दिख रही है ना ये ऊपर, सब पूरे में आग लगी, बाउंड्री सी बन जाती है ये, तो बहुत दूर से देख रहे हैं हम, जब हम पास से देखेंगे ना तो बहुत अच्छी लाल लगेगी, क्योंकि धुआं दिखाई दे रहा है इतनी दूर से भी। वेलकम टू मंडी, जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है ठंडी, कोई ठंडी नहीं है यहाँ पे, 22-23 डिग्री हो रहा है, बताओ सुबह भी हुई, लगभग 5 बजने वाले हैं, लोग बाहर घूमने आ चुके हैं, पर ठंडी नहीं है भाई, लोग टी शर्ट में घूम रहे हैं, देखिए सामने देख, टी शर्ट में और शॉर्ट्स में घूम रहे हैं भाई, हाँ इस बार कोई ठंडी नहीं यहाँ पे, मंडी डोंट हैव ठंडी। चलो इसीलिए हम जा रहे हैं मनाली से ऊपर। भाई ये बहुत गर्मी है यहाँ पर, लोग आराम से नेकर पहन के घूम रहे हैं भाई, बहुत गर्मी है। सुबह हो गई भाई, चिड़ियाँ चहक रही हैं भाई मस्त। तो भाई अभी मंडी से डीजल डलवा लेते हैं, अभी इसमें मतलब टैंक काफ़ी खाली हो गया, यहाँ पर रेट चल रहा है डीजल का 88.95, बहुत फ़र्क है भाई यूपी से, लगभग 197 के करीब है, अब तुम सोचो कितना 9 रुपये के करीब का फ़र्क है, 38 लीटर आया लगभग, बाकी ऊपर देखेंगे तांडी वगैरह में डलवा लेंगे, अब तो है ऊपर जाके, अभी चलते हैं। और 5:30 हो रहे हैं, अभी तो नींद जो आनी थी वो चली गई, अब क्या आएगी, अब तो नींद का समय खत्म हो गया, अब तो टाइम स्टार्ट हो गया कि भैया जग जाओ, नज़ारे देखो क्योंकि सुबह होने वाली है। ये सामने आप देख रहे हो ये टनल बन रही है उस साइड से इधर, और ये जिस रास्ते हम चल रहे हैं ना ये सब साइड बढ़ जाएगा, अंदर ही अंदर टनल निकल जाएगी, बहुत रास्ता कम हो जाएगा, मुझे लगता है कभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर जब ये बन जाएगी ना भाई इतना फास्ट हो जाएगा ना रास्ता, डिवाइडर बना रहे भाई डिवाइडर, तो मतलब ये सोच लो कि सुंदर नगर से लेके मनाली तक फिर तो कुछ टाइम ही लगने वाला भाई, बहुत कम लगेगा, अंदर ही अंदर देखना ये सब रास्ता साइड में हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है,
इसलिए इसमें कुछ काम भी नहीं कर रहे अभी। जैसे जहाँ ये टनल खत्म होगी वहां से फिर देखना डिवाइडर के लिए फिर काम चल रहा है इस रोड में, तो बहुत सही है। पर इस रास्ते पे अगर आप टनल से कभी कभी इधर से भी आना चाहिए क्योंकि रास्ते बहुत अच्छे अच्छे नजारे हैं, बहुत सुंदर रास्ता। और देखो जैसे अभी इसी रोड से ना ये यहाँ पे एक ब्रिज बना रहे हैं इस वाले गांव के लिए, मतलब इस वाले गांव को कनेक्ट कर देंगे इधर से। बहुत सही लग रहा है ना पीछे, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। मतलब क्या ही चल रहा है ना कंस्ट्रक्शन, हमने कई सालों से देखा है बहुत, यहाँ के रास्ते की पूरी काया पलट हो गई ना। हमने ये सिंगल रोड देखा है, बिल्कुल सिंगल रोड था, बिल्कुल कुछ नहीं था। और इस पे ये देखो भाई मस्त बना देंगे इसको पुल को, वो वाला जो गांव है पूरा इससे मेन रोड से कनेक्ट हो जाएगा। और ये ऊपर देखो टनल चलेगी ऊपर ही ऊपर, फिर देखो वहां सामने अंदर, तो बहुत ही सही। देखो इधर क्या सही नजारे हैं, मतलब अब देख के अच्छा सा लगता है कि हाँ चलो भाई यहाँ पे अच्छे रोड आ रहे हैं अच्छे हैं। उससे पता क्या होगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार ज्यादा मिले, बहुत सारी चीजें अच्छी होती है भाई जब होता है। मतलब कहीं ना कहीं देखो तुम थोड़ा बहुत नेचर के साथ खिलवाड़ तो करते हो पर उस चीज से फिर बहुत सारी लोगों को फायदा होता है कि नहीं? कहीं फायदा तो कहीं नुकसान, तब एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा भाई। सो अभी शीशा साफ कर रहे हैं, लगभग अब कुल्लू पहुंच चुके हम। ये कुल्लू यहाँ से स्टार्ट सही हो जाता है बस, यहाँ से डेढ़ घंटा भी नहीं बोल सकते, 1 घंटा 17 मिनट लगेंगे क्योंकि अब रोड बहुत सही है। मनाली तक तो बहुत ही सही रोड है, अब जो था वो ख़राब पीछे था, बाकी बहुत हद तक बन गया यार। मैंने जब देखा था ना लास्ट टाइम तो ज़्यादा जो है ख़राब था, अब थोड़ा थोड़ा पीछे तो ख़राब है, ये नहीं बोलूँगा कि सही है पर बहुत हद तक बन गया। तो अब जरा शीशे साफ कर लिए जाएँ, नज़ारे देखने हैं भैया, नज़ारे देखने हैं। कुल्लू पहुँच गए, कुल्लू मनाली किल्विस जैसी स्माइल तेरी है सम्राट किल्विस। भाई यहाँ पे ना ऊपर की साइड गीला हो रखा है पूरा पत्थर, उसकी वजह से नीचे पत्थर गिरा पड़ा है और ये जो गाड़ी खड़ी है ना इसमें आके लगा है, इसका टायर भी फट गया पूरा का पूरा। वेलकम टू मनाली, 7:30 बजे मनाली आ गए और 9 बजे हम चले थे, मतलब कि 9 से 7:30 बजे आ गए, जिसके अंदर हमने कम से कम 1 घंटे के खाने वाने के लिए रुके थे हम, उसके अलावा हमने 2-3 बार और रुके हैं स्ट्रेच ब्रेक और उसके लिए, तो कम से कम कुछ तो 1.5 घंटा तो मिनिमम रुके हैं, है ना, मैक्सिमम तो हो सकता है 2 घंटे भी रुके हो पर मिनिमम 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा इसमें से माइनस करो तो 7:30 बजे हो गया सीधा का सीधा 6, मतलब 9 बजे चले थे और 6 बजे मनाली में आ गए, है ना। तो कितने घंटे हुए सैम्पू जी, कितने हुए नहीं, कितने 9 घंटे मतलब 9 घंटे में, सही नहीं है 9 घंटे में मनाली आ गए भाई हम। हाँ मैप दिखा रहा था 12 घंटे भाई, मैप को पीछे छोड़ दिया हमने 3 घंटे भाई। और पता है और ये नहीं कि हमने बहुत ही ऐसा कोई बिल्कुल प्यार से चलते हुए आए मस्त आराम से, हाँ 120 चला रहा है पहाड़ों में भाई, गाड़ी बिल्कुल मस्त मजे में आई है भाई, समझ आ गया मतलब नहीं। एक रोड भी बहुत हद तक बहुत जगह सही हो गया ना, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है, आने वाले टाइम में बिल्कुल सही हो जाएगा ना। 7 घंटे में मनाली पहुंच जा करेंगे हम, सिर्फ 7 घंटे लगेंगे, 1-1.5 साल की और बात है, 5 ही लगेंगे। हाँ ये भी सही बात है, मुझे तो 5 ही लगेंगे, सही कह रहा है। सो गाइस जैसे कि आपको पता है कि हम मनाली पहुंच चुके थे और ये जो ब्लॉग है ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया, तो मैं इस ब्लॉग को यहाँ खत्म कर रहा हूँ और यहाँ से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम। और अभी हम जो है जा रहे हैं किलोंग साइड में, और किलोंग रुकेंगे या जिस पर रुकेंगे वो आपको अगली वीडियो में पता चली जाएगा, अटल टनल होते हुए जाएंगे। सो लगभग 7:30 हो रहे हैं, तो अभी मस्त सही मौसम है, अभी जाते रहिए, यहाँ पर बंद है तो ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, तो ठीक है अभी इस वीडियो को यहाँ पर खत्म कर लेते हैं, बाकी जो भी चीज है वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो रात पर सोए नहीं तो आंखें तो आपको पता ही चलेगी। लास्ट टाइम जब हम इस रोड पे आए थे तो हमारी एक स्पॉट चढ़ नहीं रही थी, हाँ लग रहा था कि पता नहीं हम कैसे ऊपर जाएंगे, पर फिर भी हम ले गए थे धीरे धीरे करके, ऐसा लग रहा था रुकना जाएगा। और आज तो हम पे पावरफुल गाड़ी है तो अलग ही मजा आएगा, ऑल मिल रहा है।
चलो फिर वीडियो खत्म कर लेते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। नमस्ते, अलविदा, टाटा और बाय बाय। और सब्सक्राइब करके जाना, कर देना भाई, लद्दाख के एकदम बेहतरीन वाले ब्लॉग आएंगे और ड्रोन शॉट्स भी आएंगे बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे। चलो मिलते हैं कल, अभी के लिए बाय।